आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे ना तो आपको देख लो पंजे देखने को मिल जाएंगे। ये देख रहे हो ना, ये टाइगर के पंजे हैं जो इधर से आते जाते रहते हैं। और अभी हम इसी रास्ते से निकल रहे हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए, काफ़ी वीडियो इंटरेस्टेड होने वाली है दोस्तों। तो कैमरा इसलिए चालू करके रखा है ना क्योंकि क्या हो सकता है साथ में, और कैमरे में तो कम से कम रिकॉर्ड हो जाएगा ना, इसलिए मैंने कैमरे को ओपन करके रखा है। और अभी हम इस रास्ते से जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरे के पूरे चारों तरफ जंगल ही है। और वो देखो सरिस्का का छोटा सा आपको गुंबद दिख रहा होगा। पूरा का पूरा इधर से निकलते हैं अभी। और अभी क्या करता हूँ, मैं एक डंडा ले लेता हूँ हाथ में क्योंकि मेरे हाथ में कुछ है नहीं, तो उससे थोड़ा सा अपने आप को कंफर्टेबल फील करूँगा। तो ये अभी मैं उठा लेता हूँ, ये काफ़ी बड़ा है यार, थोड़ा छोटा उठा लेता हूँ ये वाला। ये अभी मैंने ले लिया है, आप देख सकते हैं। और चलते हैं अभी आगे। भैया और ये देख सकते हैं इधर शायद सरिस्का का जो पीछे का गेट है ना वो अभी दिख रहा होगा, शायद ये वही गेट है, कंफर्म नहीं है। लेकिन अभी इधर चलते हैं, ये रास्ता शायद गया है अंदर की ओर। अभी कोई जो पुलिया है वो तो, और वो सामने आप देख सकते हैं मेरे हिरन है, ये देख सकते हैं दो हिरन यहाँ पे हैं, तीन है वो, देखो आप देख रहे होगे ना वो हिरन है। और अभी अपन लोग आगे चल रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम फाइनली पूरा का पूरा पीछे आ चुके हैं सरिस्का के। तो इस जगह से सीन ले जाते हैं काफ़ी सारे, आप देख सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं, आप देख पा रहे होंगे इसी, यही वो खिड़कियां हैं जहाँ पे कौजल जी को पर्ची फेंकते हैं, जानी लीवर जो कि शाहरुख खान ने लिखी रहती है, वो इधर से ही सीन फिल्माए जाते हैं। आप देख सकते हैं क्या यार, एंट्री नहीं मिली तो हम लोग सोचा पुलिया दिखाते हैं, पुलिया दिखाते सर पीछे आए तो पीछे का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। और अभी ये देख सकते हैं पूरा जंगल में हम लोग घूम रहे हैं, ये है नज़ारा। तो स्क्रीनशॉट ऐसे ही लगा दिए यार, स्क्रीनशॉट क्या है यार, आपको तो पूरा हवेली देखना है ना, तो वो देख सकते हैं। और एक सीन इधर से लिया जाता है, आप देख सकते हैं उस जगह पे से जहाँ पर काजोल को उनके पिताजी यानी कि सक्सेना भगाते हैं। तो अभी हमने स्क्रीनशॉट लगा दिया है और आप स्क्रीनशॉट में प्रॉपर अच्छे से मैच करके देख सकते हैं, जो जीना है उसी जगह से काजोल को भगाते हैं सक्सेना, प्रॉपर अच्छे से स्क्रीनशॉट में मैच करके देख सकते हैं। और काफ़ी सुंदर नज़ारा है हवेली के पीछे का, एक इधर भी है आप देख सकते हैं, वैसा का वैसा ही बना हुआ है, स्क्रीनशॉट में आप मैच कर लेना प्रॉपर। तो अभी आगे चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम उसी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये वही पुलिया है जहाँ पर नाहर और शमशेर सिंह जी मरे हुए पड़े रहते हैं माल के साथ। काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक एरिया है और यहाँ पर टाइगर लोगों का बहुत ज़्यादा डर है। और इधर देखेंगे ना तो चारों तरफ आपको सुनसान दिखेगा जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी। मेरे हिसाब से करण अर्जुन फिल्म के अंदर जो सबसे ख़तरनाक एरिया है, सबसे ख़तरनाक लोकेशन है, वो यही लोकेशन है। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों डर भी लग रहा है। तो चलिए अभी बैक कैमरे पर चलते हैं और यहाँ के पूरा का पूरा आपको नज़ारा अच्छे से दिखा देते हैं, और स्क्रीन शॉट के माध्यम से दिखा देते हैं कि नाहर और शमशेर सिंह कहाँ पर पड़े हुए थे। तो दोस्तों फिल्म के अंदर सीन आता है जब ठाकुर दुर्जन सिंह को पता चलता है कि उनके साले नाहर और शमशेर सिंह माल के साथ इस नदी में मरे हुए पड़े हैं। तो वो मुंशी के साथ आते हैं और मुंशी उनको खबर देते हैं। तो वो लोग आते हैं तो वो इस रास्ते से आते हैं, जो ये रास्ता आप देख रहे हैं ना, इस रास्ते से यहाँ तक आते हैं। तो अभी हमने स्क्रीनशॉट लगा दिया, आप स्क्रीनशॉट में प्रॉपर अच्छे से मैच करके देख सकते हैं, जो ये पुलिया है उसका नज़ारा देख सकते हैं, और जो इसके छेद है ना उन छेदों को आप देख सकते हैं अच्छे से, प्रॉपर अच्छे से मैच करके। और उसके बाद में क्या होता है कि पुलिस आ जाती है, तो ठाकुर साहब कहते हैं कि पुलिस किसने बुलाई, तो मुंशी कहता है मैंने बुलाई है इसलिए कि ताकि कहीं इन लोगों का इल्ज़ाम आपके ऊपर ना लग जाए। तो पुलिस वाले ना इधर से आते हैं, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ना इधर से आते हैं, आप स्क्रीन शॉट में देख सकते हैं। और अभी हमने स्क्रीन शॉट लगा दिया है प्रॉपर, आप अच्छे से मैच करके देख सकते हैं, इसी जगह का सीन होता है। तो जब दोनों एक साथ आगे पीछे रहते हैं ना तो कुछ इस प्रकार का नज़ारा आता है, आप स्क्रीनशॉट में प्रॉपर अच्छे से मैच करके देख सकते हैं। क्या है कि थोड़ी रोशनी पड़ रही है ना, इस वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो वो लोग जो है ना इसी साइड पड़े रहते हैं, अभी हम ऊपर चलेंगे ना और आपको ऊपर से अच्छे से मैच करके दिखाएंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी अभी हम चलते हैं ऊपर। और दोस्तों आपको बता दें कि करण अर्जुन की शायद मेरे हिसाब से जितनी भी लोकेशन पर मैं गया हूँ
सबसे ज़्यादा अगर कोई खतरनाक लोकेशन है तो वो यही लोकेशन है जहाँ पर नाहर और शमशेर सिंह मरे हुए पड़े रहते हैं। और यहाँ पे लोग आते हैं, ऐसा नहीं कि आते नहीं, यहाँ देख सकते हैं ये बिसलेरी की बोतल पड़ी हुई है, कोई ना कोई यहाँ ज़रूर आते रहते हैं। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे एकदम सुनसान है और ये 100 में 100% टाइगर लोगों का एरिया है जहाँ पे वो लोग आते रहते हैं। भाई थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अगर मेरे को पहले पता होता कि लोकेशन कुछ इस टाइप की है तो मैं नहीं आता। वो लोग इसी गेट से निकलते होंगे, आए होंगे जब फिल्म शूट करने। आप देख सकते हैं अभी हम पुल के ऊपर आ चुके हैं। पुल के ऊपर आने के बाद इधर देखेंगे तो ये दीवार जैसी बनी है शायद, और इधर देखेंगे तो पूरा जंगल है और इसके अंदर पानी वगैरह कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। इधर भी वही सीन पूरा का पूरा है। तो चलिए अभी जो आगे के सीन है वो हम आपको दिखा देते हैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से। दोस्तों आपको एक चीज़ बता दें, करण अर्जुन के अंदर सबसे ज़्यादा खतरनाक लोकेशन यही है जहाँ पर अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आप देखेंगे ना तो सुनसान है, कुछ भी नहीं दिखेगा आपको दूर दूर तक, सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ दिखेगा तो जंगल ही जंगल, और कुछ देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यार आज ना थोड़ा सा डर लग रहा है, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को ज़रूर से लाइक कर लेना, वरना दिल तो करेगा तो फिर वीडियो बनाना बंद ही कर दे। दोस्तों फिल्म के अंदर एक सीन इधर से ले आता है, जो ये आप पुल देख रहे हैं ना, ये लाइन के गड़े हुए हैं ना, ये चारों तरफ गड़े हुए थे, क्या है अभी टूट गए हैं, आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं ना आप, ये टूटे हुए हैं चारों तरफ से। तो क्या होता है, मुंशी और उनके पार्टनर और ठाकुर दुर्जन सिंह खड़े रहते हैं, तो पीछे का नज़ारा आता है। अभी हमने स्क्रीनशॉट लगा दिया है और आप स्क्रीनशॉट में प्रॉपर अच्छे से मैच करके देख सकते हैं, इसी पुल के ऊपर खड़े रहते हैं ठाकुर दुर्जन सिंह जब आते हैं देखने के लिए नाहर और शमशेर सिंह को, और नाहर और शमशेर सिंह इस साइड में पड़े रहते हैं, वो अभी हम आपको दिखाते हैं स्क्रीनशॉट से। दोस्तों एक सीन इस पुलिया के ऊपर से लिया जाता है, तो अभी हमने स्क्रीनशॉट लगा दिया, आप स्क्रीनशॉट में प्रॉपर अच्छे से मैच करके देख सकते हैं, जो ये गेट है ना, ये गेट मैच कर सकते हैं जब ठाकुर दुर्जन से पुलिस वाले बात करते रहते हैं ना, तो इधर से एंगल करके कैमरा लिया जाता है फिल्म के अंदर, तो अभी आप प्रॉपर अच्छे से मैच करके देख सकते हैं। और उसके बाद में जो नाहर और शमशेर सिंह होते हैं ना, वो इस जगह पे होते हैं। क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पहले थे खजूर के, लेकिन अभी नहीं है क्योंकि काफ़ी पुरानी लोकेशन हो गई, इस वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी का बहाव भी हो गया जिससे गड्ढा जैसा बन गया, आप देख रहे होंगे। तो इसी जगह पर नाहर और शमशेर सिंह पेटी के साथ पड़े रहते हैं मरे हुए, जो करण अर्जुन को मार देते हैं ना, तो उसके बाद में यहाँ पे डालते हैं, तो यहाँ पर का सीन लिया जाता है। और अभी हमने स्क्रीनशॉट लगा दिया, आप स्क्रीनशॉट में प्रॉपर अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ पर नाहर और शमशेर सिंह लेटे रहते हैं मरे हुए, और उसके बाद में उनके जो अमरीश पुरी जी के लड़के होते हैं ना, तो वो यही जगह पर जाते हैं और कहते हैं कि हथियार चेक करते हैं और बोलते हैं वाटा चो, ये तो वही हथियार है जो वहाँ से चोरी हुए थे। तो फिर उसके बाद मुंशी कहते हैं ऐसा होगा कि आपस में लड़ते हुए ये दोनों आपस में एक दूसरे को मार बैठे होंगे, तो ऐसा सीन होता है इसी जगह पे। तो ये वही पुलिया है, आप देख सकते हैं प्रॉपर अच्छे से, और इधर खजूर के पेड़ नहीं रहे हैं, लेकिन इधर खजूर के पेड़ आपको देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं। अभी यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लगा दिया है और आप एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैच करके देख सकते हैं, इसी जगह का प्रॉपर सीन था। लोकेशन ये काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है, और जब पुलिस वाले होते हैं ना इस साइड से आते हैं, ये साइड आप देख रहे हैं ना, इस साइड से आते हैं। अभी हमने स्क्रीनशॉट लगा दिया है और आप स्क्रीनशॉट में प्रॉपर अच्छे से मैच करके देख सकते हैं, इसी जगह का सीन होता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लेना। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग लोकेशन के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।